गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम नेम है स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन। स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन क्या होता है, स्टोकियोमेट्री क्या होता है, स्टोकियोमेट्री का मीनिंग, स्टोकियोमेट्री देखिए, स्टोकियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, स्टोकियो मैट्री, मैट्री मींस मींस स्टोकियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, स्टोकियोमेट्री मींस द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रॉपर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द रिएक्शन। रिएक्शन जो रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसका प्रॉपर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो स्टोकियोमेट्री मींस द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन एंड आल्सो आल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या मीनिंग होता है, एंड कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास भी कैलकुलेट करना है और प्रोडक्ट का मास भी कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स स्टोकियोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया, स्टोकियोमेट्री मीन्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्शन एंड कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमें मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास भी फाइंड करना है, वो भी फाइंड करेंगे और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्शन। एलिमेंट्स जो होते हैं उसका रिएक्शन में प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। तो स्टोकियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो पहले आप सोच लीजिए, हमको क्या करना है रिएक्शन में। अभी हम लोग जानते हैं, टेंथ में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो राइट साइड में जो आता है वो प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड में जो आता है वो रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट में एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, कुछ भी हो, इधर भी प्रोडक्ट में भी कुछ भी हो सकता है। रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड आल्सो प्रोडक्ट इज कन्वर्ट इनटू रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है, रिवर्स रिएक्शन भी होती है। तो जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स जो सेम होना चाहिए, तो इधर जितने एलिमेंट्स है इतने ही एलिमेंट्स इधर भी होने चाहिए। अगर ना हो तो हम स्टोकियोमेट्रिक नंबर से उसको बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, वो स्टोकियोमेट्रिक नंबर से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अभी रिएक्टेंट में समझो कि मॉलिक्यूल्स है, एटम है, कंपाउंड है, तो वो भी बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड सेम होने चाहिए। अगर ना हो तो हम स्टोकियोमेट्रिक नंबर से उसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर और एक बात, अगर रिएक्टेंट का जो मॉलिकुलर मास होता है, टोटल मास होता है, वो प्रोडक्ट का भी मॉलिकुलर मास होना चाहिए, मतलब मास जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तब भी हम रिएक्टेंट और एलिमेंट्स को रिएक्शन साइड और प्रोडक्ट साइड एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए स्टोकियोमेट्रिक नंबर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके हम उसका मास भी बैलेंस कर सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोथ साइड पे बैलेंस कर सकते हैं। उसको कहा जाता है स्टोकियोमेट्री। तो रिएक्शन को भी हमको बैलेंस करना है और साथ में उसका मास भी बैलेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल भी बैलेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने पढ़ा है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बैलेंस होना चाहिए। तो बोथ साइड पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स भी बैलेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑल्सो बैलेंस होना चाहिए, और लास्ट में क्या बैलेंस होना है, एलिमेंट्स पर बैलेंस होना चाहिए।
तो ये सब बैलेंस होगा तभी हम स्टोकियोमेट्री और केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन कर सके, केमिकल रिएक्शन को हम अच्छी तरह जान पाएंगे और उसमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमको बुक्स में एक एग्जाम्पल दिया गया है मीथेन का, कंबुशन ऑफ मीथेन विच इज कन्वर्टिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो वहाँ लिखा गया है, एक रिएक्शन लिखी गई है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4, तो CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबुशन किया जाता है विच इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो CH4 इसे कहा जाता है मीथेन, क्या कहेंगे, मीथेन। ये जो है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टोकियोमेट्री जो है वो देखेंगे। ये जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन का जो कंबुशन होता है तो वो हमें एनर्जी भी दे सकता है। तो एनर्जी हम लोग लिखते नहीं है लेकिन एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन जो है वो मीथेन में ऊपर लिख देता हूँ, मीथेन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबुशन होता है और कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में। अभी जो ये मैंने रिएक्शन लिखी है वो बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैं मीथेन को कंबुशन करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, लेकिन इधर जो हम लोग पहले सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन को हम लोगों को बैलेंस करना होता है। अभी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये जो कार्बन है तो वन है, यहाँ तो यहाँ भी वन है, तो वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन फोर है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ फोर है और इसमें हाइड्रोजन है नहीं, इसमें हाइड्रोजन टू है, तो हमको यहाँ टू रखना पड़ेगा। अभी जो मैंने ये टू इधर लिख दिया है उसको कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक नंबर, क्या कहा जाता है, स्टोकियो। वो अपने तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको अप्लाई करना होता है, वो मैंने नंबर ऑफ टू नंबर जो है वो अप्लाई कर दिया। इसके अभी हम लोगों ने किया गया, कार्बन जो है वो यहाँ देख के यहाँ बैलेंस किया, हाइड्रोजन जो है यहाँ देख के यहाँ बैलेंस किया, लेकिन अभी इस टाइप की रिएक्शन हो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो यहाँ देखो पहले, तो ऑक्सीजन कितने हैं, टू, और ये भी टू है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो टू है, तो फोर ऑक्सीजन हो गया है। तो यहाँ फोर करने के लिए यहाँ मुझे स्टोकियोमेट्रिक नंबर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, वो खुद को अप्लाई करना है, तब जाके रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अभी रिएक्शन बैलेंस होने के बाद हम लोग एलिमेंट्स को देखेंगे, इसको कहा जाता है रिएक्टेंट, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स जो है बोथ साइड पे सेम होना चाहिए, तो वो देखेंगे हम लोग, और मास भी कैलकुलेट करना है वो भी सेम होना चाहिए तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, वो रिएक्शन को बैलेंस हम स्टोकियोमेट्रिक नंबर से बैलेंस करते हैं। तो वो देख लीजिए पहले कैसे हम लोगों ने ये रिएक्शन बैलेंस किया है। अभी देखिए, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखिए, CH4 के आगे कोई नंबर है नहीं है, तो नंबर नहीं है तो मैं उसका उसको कितना काउंट कर लूंगा, वन। यहाँ मैं लिखूंगा वन मोल ऑफ CH4, वन मोल CH4 ये लिखूंगा, बराबर, देखिए वन मोल CH4। यहाँ मैं लिखूंगा टू मोल ऑक्सीजन, बराबर देखिएगा टू मोल ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के आगे टू है। यहाँ मैं लिखूंगा वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ मैं लिखूंगा टू मोल ऑफ H2O। अभी जो दिखाई दे रहा है वो ही मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ वन मोल CH4 है, यहाँ टू मोल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वन मोल है और टू मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए अगर कोई कंपाउंड, इसे इसमें एक बात जरूरी वो मैं बताना भूल गया, सब जो एलिमेंट्स है और मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस फॉर्म में है, सब गैसियस फॉर्म में है, वो बताना भूल गया, सॉरी, गैसियस फॉर्म में। तो अगर कोई कंपाउंड गैसियस फॉर्म में हो और वन मोल हो, कितना, वन मोल, तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं वो हम लोग पढ़ लिया है हम लोगों ने, 6.022 × 10²³ एटम जो है, एटम और मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं और आयन भी लिख सकते हैं। इधर कितने होंगे तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा 2 × 6.022 × 10²³ एटम और मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा। यहाँ मुझे कितना लिखना है, ये नंबर ऑफ वन मोल है तो 6.022 × 10²³ ही लिखेंगे,
यहाँ मुझे कितना लिखना है, 2 × 6.022 × 10^23। देखिए बराबर देख लीजिए, क्यों मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि H2O के आगे 2 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्टोकियोमेट्रिक नंबर कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ये नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। अभी इसके बाद में मैं क्या देख रहा हूँ, देखिए CH4 जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 है, तो 1 कार्बन, देखिए 1 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, यहाँ मैं साइड पे कर तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 16 ग्राम। तो यहाँ मैं उसके उसका मास जो है वो लिखूंगा 16 ग्राम ऑफ CH4। ऑक्सीजन का कितना लिखूंगा, तो ऑक्सीजन का मुझे लिखना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, 2 × 2 = 4, तो 1 ऑक्सीजन का वेट जो मास जो होता है वो कितना होता है, 16, तो 16 तो हो जाएगा 64 ग्राम ऑक्सीजन। देखिए बराबर यहाँ हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिएगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर यहाँ हो जाएगा 36 ग्राम ऑफ H2। तो ये उसका मैंने वेट लिख दिया, आप काउंट कर सकते हैं, हम लोगों ने मॉलिकुलर मास फाइंड करना देखा है तो हम लोग काउंट कर सकते, तो ये वो हम लोगों ने मास फाइंड किया। देखिए इधर जो है वो मैं टोटल कर देता हूँ, टोटल करूंगा तो कितना होगा, 640678, तो 80 ग्राम टोटल मास, 80 ग्राम होगा, यहाँ भी 80 ग्राम होना चाहिए, तो 64 तो 0, देखिए 0 और 347 80 ग्राम। मैंने पहले जो हम लोगों ने स्टोकियोमेट्री की जो उसका जो मीनिंग लिखा था उसमें लिखा था मास जो होता है रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो हो वो सेम होना चाहिए, सेम हो गया। देखिए वो कैसे सेम हो गया, सबसे पहले जो मैंने बताया वही इम्पोर्टेंट है, क्या बताया, मैंने बताया कि मैंने स्टोकियोमेट्रिक नंबर जो है वो अप्लाई किया, वो अप्लाई हम लोगों को खुद को करना है क्योंकि रिएक्शन को हमको बैलेंस करना होता है। अगर ये मास जो है वो सेम हो गया, मोल जो है नंबर ऑफ एटम जो है वो भी हम लोगों ने पाया, अगर कोई मॉलिक्यूल्स, देखिए बराबर, अगर कोई मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में हो और उसका नंबर ऑफ मोल 1 मोल हो तो उसका जो वॉल्यूम लिखा जाता है 2.22.7, कोई 22.7 लिखते हैं, यहाँ जो है वो 2 × 22.7 भी लिख सकते हैं, वैसे तो हम लोग कितना लिखते हैं 22.4, यहाँ भी 4 ही मैंने लिखा है, जब भी 4 लीटर लिख सकते हैं, यहाँ जो है वो मैंने लिखा 22.4 लीटर, यहाँ जो मुझे लिखना पड़ेगा 2 × 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, तो कितना होगा वो वॉल्यूम भी हम लोग देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन जो है उसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसका नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट एलिमेंट्स सब जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आ गया, समझो इसके ऊपर से क्वेश्चन आ गया कि CH4 जो है 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना ग्राम है, तो 16 ग्राम। अगर 1 मोल CH4 कंबुशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स CO2, कितने ग्राम दिए गए, 44 ग्राम। लेकिन मुझे ऐसा क्वेश्चन में दिया गया कि 32 ग्राम CH4 जो है वो कंबुशन करूंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 कितने ग्राम मुझे मिलेंगे, तो मुझे क्या करना है, 16 ग्राम से कितना ग्राम मिल सकता है, 44 ग्राम मिल सकता है। तो मैंने कितना क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो 32 ग्राम CH4 यूज करेंगे तो CO2 कितने मिलेंगे, तो वो काउंट कर ले 16 से 44, तो 32 से कितने, ऐसे करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सकते हैं, नंबर उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल जो है वो फाइंड कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इससे कहाँ भी जा सकता है। लेकिन 16 ग्राम CH4 यूज करेंगे कितने मोल CO2 फाइंड होंगे, 1 मोल होंगे। 22.4 लीटर CH4 यूज करेंगे कितने मोल CO2 मिलेंगे, 1 मोल। यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, कैसे 22.4 लीटर CO2 हो तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 6.022 × 10^23। 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो कितने मोल होंगे CO2 के, 1 मोल होंगे। यहाँ देखिए 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम है H2O का, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 2 मोल होंगे। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2 × 6.022 × 10^23। नंबर ऑफ ग्राम, सॉरी मॉलिकुलर मास कितना हो गया, 36 ग्राम। इसमें भी डिवाइड हो, इससे यहाँ जा सकते हैं, इससे यहाँ जा सकते हैं,
और ये 2 मोल ऑक्सीजन कितने एटम है तो इतने एटम है, कितने ग्राम है तो 64, कितने कितना वॉल्यूम होगा 2 मोल और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा तो 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, सब में कन्वर्ट हो सकते हैं। और मैंने जो स्क्वायर बताया था 1 मोल 6.022 × 10²³ 22.4 लीटर एंड यहाँ जो नंबर ऑफ सॉरी मॉलिकुलर मास जो है वो राउंड करके बताया वो भी देखिए, उस वो भी काम लगेगा, ये भी काम लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बराबर अपने नोट में नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू।